सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गणपति बप्पा मौर्य और अगले वर्ष जल्दी आ, क्योंकि ये जो माहौल होता है जैसे कि खुशियों का एक भरा हुआ माहौल होता है और इसमें सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सारी चीज़ों को एक बप्पा बांध के रखते हैं और एक आशीर्वाद स्वरूप एक प्यार को स्नेह को इतने ज़्यादा मजबूती से बांध देते हैं कि लोग इसको सालों साल याद करते हैं। फिर अगले साल आते हैं, उसी याद में हम उनको बैठाते हैं और आशीर्वाद स्वरूप लेते हैं और अपने कर्मों को साल भर उसी एनर्जी के साथ दौड़ते हुए कर्म करते हैं। मैं बिल्कुल एक्चुअली जैसे कि मैं खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री का एक छोटा सा कलाकार हूँ अमरीश सिंह, तो अभी जो इंडस्ट्री है कहा जाए कि दो भागों में बटी हुई है, एक अंधेरी और एक मीरा रोड, और मैं बीच में कांदीवली में रहता हूँ। तो बिल्कुल हमने घर पे 5 दिन अपने गणपति रखा हुए थे जिसमें 1.5 दिन के दिन हमने पहले दिन मीरा रोड की तरफ हमने खेसारी जी के यहाँ, अंजना जी के यहाँ और अवधेश जी के यहाँ और करण पांडे जी के यहाँ एवरीथिंग जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हमारे परिवार के लोग ने गणपति 1.5 दिन की बैठाई थी, मीरा रोड किया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे निकला हूँ अंधेरी की तरफ, रवि भैया के घर पे आया, फिर अनारा गुप्ता के यहाँ, फिर संगीता तिवारी के यहाँ, फिर सूबी जी के यहाँ, सीमा जी के यहाँ, तो इत्यादि इस तरफ हमने ऐसा शेड्यूल बनाया। फिर इसके बाद अपने 5 दिन का गणपति था तो घर पर हमने पूजा की, अपनी तैयारियाँ थी, अपनी व्यवस्थाएँ थी, तो हम लोगों को गेस्टों को अपने मैं शाहजहाँ जी और आदित्य जी के लिए गणपति बप्पा से यही कामना करूँगा, जो SS फिल्म फैक्ट्री है ऐसे ही दिन दुगना रात चौगुना करते रहे और हमारे जैसे कलाकार और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलते रहे। और मैं बिल्कुल हर साल आता हूँ इस फिल्म फैक्ट्री में जो मेरा परिवार है और मैं इस परिवार से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी लगाव रखता हूँ और बप्पा का आशीर्वाद होता है कि हर साल मैं घींचा हुआ चला आता हूँ इस घर में। बिल्कुल लालबाग का राजा तो बिल्कुल अपने आप में वो राजा है ही, इस मुंबई के राजा हैं गणपति बप्पा, जिस घर में जिस मंडप में जिस मंडल में बैठे हुए अपने आप में राजा हैं, बशर्ते लालबाग की जो बात कही जाए हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मान्य है। मान्य के साथ मैं यही मानता हूँ हर बार बप्पा से कि मुझे भी अपने पास लालबाग की राजा के दर्शन बुलाएं, लेकिन उस रूप में बुलाएं कि मैं भी जाऊँ तो उस सुरक्षा और उस बल के साथ, जैसे अभी मोनालिसा और विक्रांत अभी जल्द बिग बॉस से निकले तो अभी गए, मैं देख रहा था और उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था, तो बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे भोजपुरी परिवार से लोग लालबाग के राजा बुलाते हैं, कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जा तू उस लायक बन जा मेरे पास आ, तो मैं भी चाहता हूँ उस लायक बनूँ और बप्पा का दर्शन करूँ। बिल्कुल हर साल तो हम बैठाते ही हैं और पूजा पाठ करते ही हैं। बिल्कुल मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि गणपति बप्पा साल में हम बैठाते हैं तो हम बैठा के भक्ति भाव के साथ कुछ और भी सीखते हैं और साल भर तक एनर्जी के साथ काम करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं यही लोगों से कहूँगा कि उस एनर्जी के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहो और गणपति बप्पा बोलते रहो, गणपति बप्पा मौर्य। प्लैनेट भोजपुरी।